नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। आज हम बात करेंगे एचपी जेवीटी एंट्रेंस टेस्ट 2019 के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने 24 तारीख को निकाल दी हुई है, यानी 3 दिन पहले। आज 27 है और इसका रिटर्न एग्जाम आपका 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में होने वाला है। लगभग 30 दिन बचे हैं पूरे के पूरे। तो इसको सीईटी कहते हैं इस एग्ज़ाम को, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, डीईएलटी। डीईएलटी का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका कि अब ये अपडेटेड नाम डाला है जेवीटी का इस, लेकिन इसको पॉपुलरली जेवीटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। और ये एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या जानकारी, इसके किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस किस तरह, इसकी पूरी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल पे के ऊपर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। कल से मैं इस जेवीटी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, प्रेपरेशन तैयारी के रिगार्डिंग मैं वीडियोस आपको बनाता रहूँगा, मैथ्स की, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस की। इसीलिए अगर आप इस पे तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में पूरी कोशिश करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको मटेरियल और अपडेट देता रहूँ इसके रिगार्डिंग, और ताकि आपको हेल्प हो सके। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको रोज़ वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन से शुरू करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, एग्ज़ाम कब है, टाइमिंग कितनी होगी और सिलेबस किस प्रकार से है। ये है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की नोटिफिकेशन, जो कि उन्होंने 24 जून को निकाली है। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम जेवीटी का एंट्रेंस टेस्ट लेने जा रहे हैं 28 जुलाई को, और हाँ, आप लोग को अप्लाई करने का समय दिया है इन्होंने 25 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, यानी कि 25 से 15 के बीच 20 दिन हैं, और 15 जुलाई से पहले पहले आपको इसको अप्लाई करना है एप्लीकेशन। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 तारीख का वेट ना करें, आज से ही अप्लाई करो, 10 से पहले पहले ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि उसके बाद जो आपका साइट है उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाता है, फिर आपका फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 11 से 1 है, यानी कि 3 घंटे। और फीस की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 600 रुपये है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उसके लिए 400 रुपये की फ़ी है, ठीक है। और जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपका 4 पार्ट में होगा, 4 सेक्शंस होंगे उसमें। पहला सेक्शन में आपका हिंदी है 25 नंबर का, दूसरे में आपका इंग्लिश है 25 नंबर का, तीसरे में आपका मैथमेटिक्स है 25 नंबर का, और चौथे में आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके वगैरह हिमाचल को इंक्लूड करके, वो है आपका 25 नंबर का, ठीक है। तो कुल आपके 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में अगर आप 70-80 प्लस लेते हैं, तो आपको अच्छे से अपना डिस्ट्रिक्ट में डाइट मिलने की संभावना रहती है। इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल 30 दिन बचे हैं। मैं आपको बता दूं, अब यहाँ कल से मैं आप डेली आपको 30 दिन लगातार इसके तैयारी के रिगार्डिंग, तैयारी कैसे की जाए उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मैं डेली वीडियो डालूंगा, तो आपके मोबाइल के ऊपर इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। दोस्तों, अगर जेवीटी के स्कोप की अगर हम बात करें, तो इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि स्टेट में अभी सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं, वैकेंसी आपकी निकलती रहती हैं। लेकिन सेंट्रल की अगर हम बात करें, तो 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप सीट ऐड कर लेते हैं, सेंट्रल ऐड कर लेते हैं, तो KVS और नवोदय विद्यालय में हर साल 4000 से लेकर के 5000 वैकेंसीज PRT की निकलती रहती हैं। PRT बोले तो प्राइमरी टीचर, जो आप जेवीटी बोलते हैं स्टेट में, ठीक है। वहाँ पे इस पोस्ट का नाम होता PRT, और अच्छी खासी वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलती है, और 5 डे आपका PRT का वीक होता है, यानी कि हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। तो खासकर जो टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड है प्राइमरी में, गर्ल्स जो होती हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है प्राइमरी में PRT के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो फीमेल का है, उनका अच्छा कम्युनिकेशन रहता है, वो कम्युनिकेशन उनका अच्छा रहता है, बच्चों को अच्छी तरह से समझती हैं फीमेल्स, इसलिए फीमेल्स के लिए PRT बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल में भी स्कोप काफ़ी अच्छा रहता है। सीट एट करने के बाद आप अच्छे तरीके से सिंपल तैयारी करके आप जो है वो KVS और नवोदय विद्यालय में अच्छी खासी 40-50 सैलरी पा करके आप PRT बन सकते हैं। इसलिए आप इस टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए, और इसके लिए मैं डेली से, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे उसके शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस आपका इसके रिगार्डिंग है, इस टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।